बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल प्रोटेस्ट है, जावेद साहब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं। वर्किंग डे है, लोगों को तैयारी का इतना टाइम नहीं मिला, मौसम भी काफ़ी गर्म है। इसके अलावा पेट्रोल की आपको पता है जो प्राइसेस जा रही हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग दूर से नहीं आ सके, लेकिन उनकी एक अच्छी कोशिश है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कंपनी ने भी इसको सपोर्ट किया है। जो एक नई बात हमें पता चली जो आज की वीडियो में हम देखेंगे, वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स की मुतासरीन की कमेटी है, इसको एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं, उसके जो एक एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं जीटी का जो स्कैम हुआ था उसकी भी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, और उसमें जब प्रोटेस्ट हुआ तो जितने लोगों ने कहा कि हम आएंगे उससे बहुत कम आए। तो हमने उसकी ज़रा वीडियो जो थी वो ज़रा देख लेते हैं, और उसमें बड़ी हैरत अंगेज हमें बातें पता चलेंगी लोगों के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम मशावरत कर लेते हैं। तो एक बात तो हमें फौरन पता चलती है कि जी बड़े चाइना के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए, लेकिन ये तो वही लोग हैं जो कि B4U के अंदर भी टॉप पोजीशंस के ऊपर थे, ये नेटवर्कर्स। तो सवाल ये बनता है कि जब इनको जीटी में पता चल गया था कि अगर कोई कंपनी SCCP के मुताबिक लाइसेंस के बगैर काम करती है, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, आखिर में वो ओनर या भाग जाता है या अरेस्ट हो जाता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, तो इन लोगों ने क्यों B4U ज्वाइन की? इनको तो ना कर देना चाहिए था, इनको तो CEO साहब को रोकना चाहिए था कि आज नहीं तो कल, सर अगर आप पैसे लेंगे इन्वेस्टर से बगैर लाइसेंस के तो हम तो कमीशन कमा लेंगे, लेकिन आखिर में लोगों के पैसे डूबेंगे और हमें एक नया प्रोटेस्ट करना होगा। ऐसा तो नहीं हुआ। ये इस कंपनी के अंदर भी टॉप की पोजीशंस में थे, ये GT में, ये B4U के अंदर भी टॉप की पोजीशंस में चले गए। कमी कमजोरी भी माननी चाहिए। आप हमारे सारे भाई हैं और वो भी भाई हैं जो घरों में बैठे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी इससे ज्यादा थी। लोगों के आज कोई जरदारी की वजह से, कुछ रोड बस की वजह से, हम किसी को ब्लेम नहीं करते। हाँ, मकामी प्रोसीजर की वजह से एक्सपेक्टेशन से लोग कम आए, लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह एक साइजेबल गैदरिंग हुई, जिसमें थ्रू आउट चारों प्रोविंस के वो किधर घर से निकले। और ये जो साहब है रेड शर्ट में, ये रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसने पिछले साल एक काफी बड़ा स्कैम किया है, इसके भी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, यानी कि इनको भी पता था कि GT के अंदर भी ये बड़े टॉप के थे। अगर आप GT की वीडियोस देखें तो इसके अंदर भी ये हर वीडियो में आपको नजर आएंगे, लेकिन और ये आखिरी टाइम तक लोगों को उम्मीदें देते रहे कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे, आप विड्रॉ लगा लें, आपको सबको पैसे मिलेंगे, और आखिर में ये गो चाइना गो के नारे लगाने लग गए, और उसके बाद इनको सब पता है लेकिन फिर भी ये रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज में जाके स्कैम कर गए। तो और ये तो हालात है। आज ये बारिश का पहला कतरा था। आज इधर सिक्योरिटी के डिफरेंट हालात के बावजूद जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, चेयरमैन नैब साहब को एप्लीकेशन देना, तो इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, हो सकता है फायदा हो गया हो। जो मेन चीज है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो कंपनी आती है, बेशक वो लोकल हो फॉरेन हो, उनको नेटवर्कर्स चाहिए। ये कुछ ग्रुप है नेटवर्कर्स का, जिनमें खसूसी चीज़ ये है कि ये लोग बोलने में बड़े अच्छे हैं, और उसकी वजह से ये लोग बंदे घेरू कर लेते हैं, ये लोगों से प्रॉपर्टियां। आपको याद है कि एक बंदा था जो कि कहता था कि जी घर बेच दो, और उससे होता ये कि ये इतनी बड़ी बड़ी टीमें बना लेते हैं, उससे ये लोग इतना कमीशन बनाते हैं कि ये करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। उसके बाद उस कंपनी के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, SCCP नोटिस ले लेता है, या ओनर गिरफ्तार हो जाता है या भाग जाता है। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये इस तरह के प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं जिसमें मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि जी बस हमने प्रोटेस्ट कर दिया, आप जाने और वो कंपनी जाने। तो चलें देखते हैं कि जी कल का जो प्रोटेस्ट है वो कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।